गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम एट क्लास के चैप्टर एट चैप्टर सिक्स षष्ठ पाठ्य का मनश्चेंद्र जालम का हमने क्वेश्चन आंसर हो गया था हमारा, उसके अलावा हमारा खालिस्तान हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा था थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों का अपन को संस्कृत में अनुवाद करना था, किसमें करना था हमको, संस्कृत में अनुवाद करना था। और फोर्थ क्वेश्चन है तो वाक्यों को बहुवचन में बदलना है, तो संस्कृत में है पुलिचा नाम दूत राजा विश्वास पात्र था, तो इसमें आएगा पुलिचा नामश्च राज्ञो विश्वास पात्र मासीत, यह आएगा इसका। सेकेंड है राजा उसके लिए क्रोध करने लगा, राजा तस्य दशवस्था विलोक तस्मै बहु क्रोधम कूतः। थर्ड वाला है इसमें पुलिचा ने वहां वृद्धा के लिए झोपड़ी बनाई, इसमें है पुलिचा तत्र वृद्धा कृते उटनेक रचत। उसके बाद है वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखा, वने भ्रमण एक उटनेकम अप्सयत। उसके बाद है फोर्थ है वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी को देखा, ये मैंने बता दिया इसका। पांचवा है पुलिचा ने वहां वृद्धा की झोपड़ी बनाई, हो गया। उसके बाद है फोर्थ वाला है वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी को देखा। पांचवा पुलिचा वृद्धा की सेवा करता है, पुलिचा वृद्धायाम सेवायाम करोति। यह हमारा क्या था, यानी चैप्टर सिक्स षष्ठ पाठ्य का छठवा पाठ का जो हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करना था। तो हिंदी का पहला वाला क्या था, गुलाची नाम का दूत विश्वास राजा का विश्वास पात्र था, इसका मैंने बताया बेटा गुलाची नामस दूत विश्वास पात्र राज्यो विश्वास पात्र चासी। सेकेंड था राजा उसके लिए क्रोध करने लगा, तो उसका क्या था, राजा तस्से रसिमोवस्था लोक राजा तस्मै क्रोधम है। उसके बाद है गुलाची ने वहाँ वृद्धा के लिए एक झोपड़ी बनाई, उसमें क्या था गुलाची तत्र वृद्धा प्रते उटज मेक मरचत, ठीक है। उसके बाद रहा वन में घूमते उसने क्या देखा, एक झोपड़ी को देखा, वने भ्रमण सह उटज मेकम अप्सयत। उसके बाद है उलाची वृद्धा की सेवा करता था, उलाची वृद्धायाम सेवायाम करोति। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों का हमको इसको बहुवचन बदलना था, संदेश वाहक राजा सूचयति मतलब संदेश वाहक राजा को सूचित करता था, संदेश वाहक मतलब एक, अब संदेश वाहक का मतलब अनेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा संदेश वाहक का एकदा नृप संदेश नीतवा सह गच्छति, तो एक बार राजा ने संदेश बुलाया और सह गच्छति, सह की जगह क्या आएगा वहाँ पर बहुत सारे आ जाएगा, तो उस जगह पर क्या आ जाएगा, सह की जगह पर चेंज हो जाएगा वहाँ पर बहुत के लिए। वृद्धा स्वस्था भविष्यति, तो वृद्धा अनेक भविष्यत टीकांति सति सत वहाँ पर क्या आएगा, आखिर में जो आएगा अंति आएगा वहाँ पर लास्ट में, है ना। उसके बाद है फोर्थ है सवृद्धायाम प्राथमिकी चिकित्सा करोती, वह बूढ़ी की प्राथमिक चिकित्सा यानी उसका देख रेख करता है। यहाँ पर वह के स्थान पर वृद्धा, अब वह वृद्धा बोले एक ही व्यक्ति को बता रहा है, तो वहाँ पर अनेक के लिए अपन को चिकित्सा करिष्यति आएगा यहाँ पर। स प्रचकलंती एक वृद्धा पश्चात, वह एक बूढ़ी को देखा, तो वह अनेक बूढ़ी अवस्था अपसे अनेक लोगों को देखा। उसके बाद है संधि विच्छेद करना, संधि कीजिए विच्छेद है संधि विच्छेद है तो उसको
एकत्र करना, जैसे प्रसृतम धन आसी तो इसमें आएगा प्रसमा, इसमें आएगा प्रसतमा सी, विश्वास पात्रम आसी, विश्वास पात्राम आसी। उसके बाद है संदेशम धन अपि, संदेश मा पी मात्रा में आ जाएगा, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मात्राओं में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रसरत धनासी, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यदि अगर ये मिल जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, प्रसरत अमासी, यानी यह आ की मात्रा जो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऐसी प्रकार से हमको जैसे दिया हुआ है संदेश, ऐसे मैं आपको समझा रही, जैसे दिया संदेशम धन अपि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेशम धन अपि है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा संदेश मा पी यानी आपकी मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर के वाला भी सिंबल लग सकता है, कौन सा वाला सिंबल लग सकता है, ये भी संदेश मा पी, ये ऐसा भी लग सकता है, ये दो प्रकार से हो सकता है। इसी पर वृद्धा एकम, यहाँ आएगा वृद्धा कम निवासनापी मापी आ जाएगा, है ना, इसको ऐसे करना है। इसके बाद संधि विच्छेद करना रहेगा, तो अपन ने इसमें संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद किए, उसके बाद उसको बहुवचन में बदलना था, और तीसरा संधि करना था यानी विच्छेद को जोड़ना था। आज हमारा इतना हुआ, कल इसमें ख ग घ इसके बाद ये करेंगे। आज के लिए इतना, ओके बेटा, ठीक है, गुड डे, आप